हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। आज 8 फरवरी 2021 को शिफ्ट वन में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है टीपीसी में, उसका एनालिसिस करते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपको रियल क्वेश्चंस होंगे, कोई भी जो एग्जाम दिए हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 7 पर पावर 6 प्लस 5 को 6 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना होगा, मतलब आपको रिमाइंडर बताना है शेषफल कितना होगा जो प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिए, 7 में पहले 6 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 पे पावर कितना 6 प्लस 5 में 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, माइनस 1 होगा शेषफल, तो माइनस वाला भी लेते हैं आपको पता होगा। तो यहाँ पर से 1 पे पावर 6 मतलब 1 हो गया, और प्लस माइनस तो माइनस 1/6, 1 - 1 यानी कि 0 में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0। ये क्वेश्चन नंबर आपका था फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, ये बोल रहा है कि 7 अनुपात 9 में क्या जोड़े कि 13:14 हो जाए। 7 अनुपात 9 में क्या जोड़े, 7 अनुपात 9 में आप क्या जोड़े कि ये हो जाए आपका अनुपात हो जाए कितना, 13:14। तो ऐसे प्रश्न को या तो आप बाय ऑप्शन चल सकते हैं या इसका मेथड सेकेंड आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिए कि 7:9 से कितना हो जाना है, 13:14, तो अंतर समान करते हैं। तो 7 और 9 का अंतर कितना है 2 है, 13 और 14 का अंतर कितना है 1 है। तो ये दो अंतर को समान करेंगे, 2 और 1 को बराबर करेंगे, तो इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि इसमें भी 2 से गुना करना होगा, तो 26 हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा। और 1 से गुना करेंगे तो 7 और ये 9 ही रहेगा, मतलब 7 से 26 हो रहा है या 19 से 28 हो रहा है। तो देख रहे हैं कि 19 बढ़ रहा है, यहाँ भी 19 बढ़ रहा है, यानी कि 7 में 19 जोड़ने पर 26 होता है, तो 9 में भी 19 जोड़ने पर 28 होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा प्रश्न में, x का मान कितना हो जाएगा 19 जोड़ने पर, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था सेकंड। आपके प्रश्न में जब भी समान राशि जोड़ा जाए या घटाया जाए कहा जाए तो अंतर को समान करते हैं, जैसे ये बना है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड के बाद थर्ड, ये क्या क्वेश्चन है कि किसी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर 140 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए। 140 डिग्री अंतर दिया, तो आप जानते हैं कोई भी बहुभुज रहता है, जैसे कि त्रिभुज को ही मान लिए हम, तो त्रिभुज के ये बहिष्कोण हो गया और ये आंतरिक कोण हो गया, तो टोटल योगफल कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण, आंतरिक कोण और आंतरिक लिख देते हैं पूरा, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण दोनों को जोड़कर कितना होता है 180 डिग्री। प्रश्न दिया है अंतर कितना दिया है, आंतरिक कोण और वाह कोण का अंतर आपके प्रश्न में कितना दिया गया है, अंतर आपके प्रश्न में दिया है 140 डिग्री, इस प्रकार से आपके प्रश्न में दिया गया है। तो यहां से आप जैसे चाहे घटा सकते हैं तो घटा देते हैं, या जोड़ भी सकते हैं, तो जोड़ने पर या आपको वाह कोण निकालना है तो वाह कोण निकाल लीजिए, तो वाह कोण कैसे निकालेंगे, घटा देते हैं तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये आंतरिक कट जाएगा तो 2 गुना वाह कोण, मतलब कितना हो जाएगा आपका आंसर, इधर घटाइए तो 140 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा 40 होगा ना, 140 में से 40 घटाइएगा तो 40 होगा, तो वाह कोण का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, वाह कोण कितना हो गया 20 डिग्री, तो भुजाओं का संख्या कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा प्रत्येक वाह कोण होता है तो 20, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 18, मतलब बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगी 18। ये क्वेश्चन नंबर आपका था थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये आंसर हो गया 18 भुजा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ बता रहे हैं, ये क्वेश्चन है 150 रुपया को 11, 16 और 23 के अनुपात में बांटिए तो सबसे बड़ा हिस्सा बताइए। 11, 16 और 23 के अनुपात में बांटना है, 11:16:23 इतना में बांटना है आपको 150 रुपया को, तो टोटल रेशियो में कितना है तो जोड़ दीजिए 16, 11, 27 और 23, 50, मतलब कुल कितना हो रहा है 50, तो 50 रेशियो का वैल्यू 150 रुपया दिया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, 50 किया 150 हो रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 23, तो 23 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 23 किया 69, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0, 3, 5 और 9, इस प्रकार से संख्या आपको 4 दिया गया है, 0, 3 और उसके बाद दिया गया है 5 और 9, इससे बनने वाला मतलब जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो सबसे छोटी संख्या कौन बनेगी जो आपसे पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा, तो 0 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अगर जो 0 से स्टार्ट करेंगे तो
तीन अंक वाली संख्या हो जाएगी, हमें बनाना है चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक कौन देंगे, जीरो। उसके बाद हम ये दे सकते हैं जीरो, मतलब सबसे पहले जीरो देते, लेकिन जीरो नहीं देंगे क्योंकि जीरो दे देंगे अगर जो तो जीरो फिर तीन और पांच और नौ, तो ये तो हो गया सिर्फ कितना 359 हो गया। तो ये चार अंकों वाली संख्या नहीं हुई इसलिए हम जीरो नहीं देंगे, जीरो हम सेकंड प्लेस पर देंगे दूसरा स्थान पर। तो सबसे पहले तीन फिर जीरो उसके बाद पांच देंगे और उसके बाद नौ देंगे, ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर जो प्रश्न में पूछता कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर पूछता, तो इसी को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते, तो आपको इस प्रकार से सबसे पहले नौ लिखेंगे, उसके बाद पांच लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे तीन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं। अगर जो इसे हम इस प्रकार लिखना चाहें कि ये जीरो को हम इधर लिखेंगे नौ पांच, और यहां पर अगर जो जीरो तीन लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये तो इससे क्या है छोटा है, तो आपको ये वाला नहीं होगा। आप ये समझते होंगे कि बड़े सबसे बड़ा नंबर लिखना है तो क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या जो है जो सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या को अंत में लिखते हैं। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, ये आपका प्रश्न में नहीं पूछा गया था, ये पूछा हो गया। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अगर जो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन अगर जो इसी में ग्रेटेस्ट नंबर पूछता कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे चार अंकों की, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, और ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए किसमें लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है नौ, उसके बाद इससे बड़ी पांच, उसके बाद तीन और फिर जीरो, तो ये हो गई आपकी ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9530, सबसे छोटी संख्या पूछे चार अंकों की तो 3059, इस प्रकार से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो भी था फाइव नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की ऊंचाइयों का अनुपात 8:11 है, तो क्षेत्रफलों मतलब त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो आपको पता होगा कि दो समरूप त्रिभुज है उसका साइड, जैसे मान लीजिए जो साइड का स्क्वायर होता है, मतलब साइड या इसी को बोल सकते हैं हाइट, साइड रहे या हाइट रहे दोनों सेम चीज है। तो आपके प्रश्न पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब a1 = a2 कितना होगा जो, तो ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए, उसका हाइट या साइड का स्क्वायर होता है। तो हाइट कितना दिया है, मान लीजिए h1 अगर जो हाइट दिया है तो h1² = h2² अगर जो साइड रहता तो a1² = a2², तो 8:11 है कि 11:8 है, 8:11 8:11 ही होना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो भी था 8:11 है, तो क्या हो जाएगा 8:11, तो 8² = 11² यानी कि 64:1 कितना हो जाएगा 121। ये रूल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि उसे 210 रुपए में बेचेंगे तो कितना परसेंट लाभ होगा। तो 240 रुपए में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है, तो खरीदे हैं कितना में, तो क्रैमर निकाल लीजिए, 240 रुपए में बेचते हैं तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो खरीदे हैं कितना में, तो 100/120 से गुना कर देंगे यानी कि 200 रुपया में हमने वस्तु को खरीदा है। अब प्रश्न बोल रहा है कि यदि 210 रुपए में बेचेंगे, 200 रुपये में खरीदे हैं और 200 यहाँ पर लिख रहे हैं, फिर से क्रयमूल कितना हो गया 200 रुपये में खरीदे हैं और बेच रहे हैं अब कितना में 210 में, तो कितना आपको दिख रहा होगा क्लियरली, या यहाँ पर से हम 2-2 से कैंसिल भी कर देते हैं 105, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पूरे 100 × 200 और 105 × 210, तो 100 रुपये में खरीदे हैं 105 में बेचे हैं, तो 5% का लाभ हो रहा है। डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, जब परसेंट लाभ या हानि पूछे तो रेशियो का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 120 किलोमीटर की चाल से कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है और 80 किलोमीटर की चाल से बिंदु बी से ए तक वापस आता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल बताइए। तो आप जानते हैं कि यहां से कोई व्यक्ति बिंदु ए है और बिंदु बी है, इस तरह से जा रहा है, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से ए बी की दूरी तय की, डी किलोमीटर हमने मान लिया, और बी से वापस ए तक आता है तब कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रहा है, तो सेम डिस्टेंस तय करता है, मतलब बराबर दूरी, तो एवरेज स्पीड यहाँ पर हम लगा सकते हैं, एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2xy/x+y, मतलब 2 × 120 × 80/x+y, मतलब 120 + 80, तो 200 डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर
छियानवे, यानी कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 बाय 16 बीमा वाले घनाभ से कितने 8 सेंटीमीटर वाले घन बनाए जा सकते हैं। मतलब इस प्रकार से आपके प्रश्न है कि 24, 16 और 16 मतलब ये आपकी लंबाई, ये चौड़ाई, ऊंचाई किस घनाभ की है, तो इससे 8 सेंटीमीटर वाला कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ये मान लिए कि n घन बनाए जा सकते हैं, तो 8 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, तो घन का आयतन मतलब 8 × 8 × 8 यानी कि भुजा क्यूब। अब कैसे कर दीजिए, तो 8 × 2 = 16, ये भी 8 × 2 = 16 और 8 × 3 = 24, तो 3 × 2 = 6 × 12 मतलब कितना 12 घन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी से दुगना कार्य कुशल है। मतलब ए और बी के क्षमता आपके प्रश्न में दिया गया है 2:1, प्रश्न में लिखा है दोनों मिलकर 28 दिन तक किसी काम को पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, 28 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 28 गुना दोनों मिलकर मतलब 3 के क्षमता से 88 काम करेगा। तो अकेला बी कितना काम करेगा, मतलब 1 के क्षमता से, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा टाइम ऑफ बी, तो 88 दिन में बी अकेले पूरे काम को कर देगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर हो जाएगा 84 दिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इजी क्वेश्चन है। किसी धन का एक वर्ष का मिश्रधन 500 रुपया है और दो वर्ष का मिश्रधन 550 रुपया है, तो सीआई का दर बताइए। तो आपको पता होगा कि प्रश्न में इस प्रकार से दिया है कि दो वर्ष मतलब पहला वर्ष का मिश्रधन कितना है 500 रुपया, दूसरा वर्ष का 550 रुपया। मतलब कोई धन एक वर्ष में 500 रुपया हो जाता है और दो वर्ष में वही धन 550 रुपया हो जाता है, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। मतलब यहाँ एक वर्ष का अंतराल है और यहाँ कितना का अंतराल है, 500 से 550 हो रहा है, मतलब 50 रुपया का, यानी कि एक वर्ष का ब्याज कितना है 50 रुपया, तो किस पर है, मूलधन पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो रेट निकालने के लिए 50/500 × 100 इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, 50 × 500 और 1/0 = 0 मतलब 10% आपका क्या है सीआई का रेट है, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 नंबर तो यहाँ तक दिखता होगा क्लियरली। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 18 सेब, 21 आम और 39 संतरे की फल है और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल है। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम कितनी संख्या होना चाहिए, न्यूनतम मतलब कम से कम कितना पंक्ति होना चाहिए, ऐसा आपके प्रश्न में बोल रहा है। तो कितना कम से कम होना चाहिए ऐसा प्रश्न बोल रहा है, तो सबसे पहले 18 है, 21 है और 39 है, इसका क्या निकल जाएगा, 18, 21 और 39 इसका आपको सबसे पहले एलसीएफ निकालना होगा, तो एलसीएफ निकालिएगा तो कितना होगा, ये सभी में कॉमन फैक्टर कितना है, मैक्सिमम 3 है, या इसे लिख सकते हैं 3 × 6, 3 × 7 और ये 3 × 13, तो डायरेक्ट उतना लिखना नहीं, आप जानते होंगे एलसीएफ निकालना है, एलसीएफ 3 है। और पूछ रहा है कम से कम कितना कतार होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज या कतारों की संख्या, ये भी बोल सकते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, जो दिया रहता है 18 आम है जो भी, तो 18 इसके सेब से डिवाइड करते हैं, 21 है सेब तो 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 39 है संतरा तो 39 को इसके सेब से डिवाइड करेंगे, मतलब जितना भी दिया रहता है वस्तु सभी को एक सेब से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 6, 7, 13 मतलब टोटल हो जाएगा 26 पंक्ति या 26 रोज, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन भी इजी है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पहले समझना होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद आप इसे खुद बना सकते हैं। कोई आपको दिया गया है संख्या, इसमें पहले 20% बढ़ाना है फिर 30% बढ़ाते हैं, तो उस संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इसे आप मौखिक भी बना सकते हैं। पहले 20% की वृद्धि किया है, उसके बाद ऐसे ही लिख देते हैं, उसके बाद 30% की वृद्धि किया है, तो x + y + 6 × y/100 ये वाला रूल अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा डायरेक्ट 30, 20, 50 और 6, 56% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं, क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। क्वेश्चन लिखा है
कि 1 से 10 तक घनों का योगफल बताइए। तो 1 से 10 तक मतलब यहां लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। 1 का घन, 2 का घन, इस प्रकार से आपको 10 का घन तक जोड़ना है, कितना होगा जो। तो आपको फॉर्मूला आता होगा n * n + 1 / 2, इसका क्या होता है होल स्क्वायर। तो n की जगह पर 10 रखेंगे तो 10 * 11 / 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 55 का होल स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 5 से बढ़ाकर मतलब 5 * 6 30, तो 30 25 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का मौसा और लसा 75 एवं 450 है, यदि पहली संख्या को 3 से भाग देते हैं तो भागफल शेषफल होगा 75 आता है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न में दिया है जो भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है ये 15 नंबर में बोल रहा है कि आपको ये पता होगा रूल, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, इस प्रकार से। तो एलसीएम एचसीएफ दिया है, एलसीएम है 450 और एचसीएफ कितना है 75। तो प्रश्न में पहली संख्या दिया है कि उसमें 3 से भाग देते हैं तो 75 आता है, यानी कि 75 इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहली संख्या में 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है 75 आता है। तो पहली संख्या 75 गुना कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 75 गुना 3 हो गया पहली संख्या। तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, तो ये 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 15 45 मतलब दूसरी संख्या आपका कितना हो जाएगा 150, यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टैन 22.5 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए टैन 22.5 डिग्री, तो टैन 22.5 डिग्री का मान होता है 2 - √2 - 1, कितना होता है √2 - 1, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इसे आपको पहले समझना होगा। ये बाई ऑप्शन से चल सकते हैं, दो संख्याओं का अंतर 1 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर से हम ऑप्शन लिख रहे हैं, पहला ऑप्शन है 7 8, दूसरा ऑप्शन है 8 9, तीसरा ऑप्शन है 7 10, चौथा ऑप्शन है 9 7। तो देखिए प्रश्न दिया है दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, तो 7 और 8 का अंतर कितना है, यहाँ पर से अंतर लिख रहे हैं और यहाँ पर से एलसीएम गुणा एचसीएफ मतलब एक तरह से क्या हो गया, गुणनफल हो गया ना, तो गुणनफल। तो 7 और 8 का अंतर 1 है और 7 और 8 का गुणनफल कितना हो रहा है 56, जबकि प्रश्न में दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है 72 है। दैट मीन्स आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल 72 होना चाहिए, तो यहाँ हो रहा है 56। तो पहला आपका ऑप्शन नहीं हुआ, 8 और 9 का अंतर 1 है और दोनों का गुणनफल 72 है, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका हो रहा है, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 7 और 10 का अंतर 3 है, यहाँ अंतर 2 है। तो इस प्रकार से आप इसे बड़ा ऑप्शन बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको रेशियो से पूछा गया है। किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्को है, जिनका अनुपात सिक्कों का अनुपात है 1 2 3, तो कुल मूल्य 110 रुपया दिया है, तो 50 पैसा के कितने सिक्के हैं। प्रश्न में आपके दिया गया है कि 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला, सिक्के की संख्या का अनुपात आपके प्रश्न में दिया गया है 1:2:3। तो 1 रुपया वाला एक सिक्का है तो कुल मूल्य कितना होगा 1 रुपया होगा, प्लस 50 पैसा वाला दो सिक्का है तो 50 × 2 = 100 पैसा, यानी कि 1 रुपया। 25 पैसा वाला 3 सिक्का है तो 25 पैसा वाला 3 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, 25 × 3 = 75 पैसा, यानी कि 75/100 रुपया, तो 0.75 मतलब 2.75 आपका क्या हो गया, इतना रुपया, 0.75 रुपये जिसे बोल सकते हैं। तो प्रश्न दिया है आपके कि टोटल कितना है कुल मूल्य 110 रुपया, तो प्रश्न दिया है कुल मूल्य 110 रुपया, यहाँ कुल मूल्य कितना हो रहा है 2.75, आपसे पूछ रहा है क्या 50 पैसा वाला, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो ये हल कर लीजिए, 0.5 हटाएंगे तो 20 ऊपर हो जाएगा। अब 25 से कैंसिल कीजिए तो 25 से कम 25, 25 × 50, ये 25 से कम 25, फिर 2 और 5, फिर 25 से कम 25, ये 25 × 4 = 11, 9 + 10, तो 10 × 2 × 4 मतलब 10 × 8 = 80, तो 80 आपका आंसर हो जाएगा। 50 पैसा वाला कितना सिक्का है, तो 80 सिक्का है, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 50 पैसा वाला 80 सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, x प्लस वाई का मान ये आपको लिखकर बता देते हैं कि दो संख्याएं हैं, दोनों का आपके प्रश्न में
कितना योगफल दिया गया है 30, दो संख्याओं का योगफल 30 है और उसके व्युत्क्रमों का योगफल आपके प्रश्न में 6/25 है, शायद यही है 6/25 है। तो वो दोनों संख्याएं क्या होगा, तो दोनों संख्या x और y माने हैं, तो दोनों का योगफल 30 और दोनों संख्या का व्युत्क्रम मतलब x का व्युत्क्रम 1/x और दूसरी संख्या y का व्युत्क्रम 1/y का योगफल 6/25 है। तो इसे हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, y प्लस x बराबर मतलब 1/x y बराबर 6/25, y प्लस x का मान 30 है तो 30 बटा x गुना y बराबर 6/25, 6/25 कैंसिल कर दिए तो 5/25 यानी कि x गुना y का मान कितना हो गया 5/25 या 25/5 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट x गुना y बराबर हम बोल सकते हैं 125, लेकिन आपके प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है, आपके प्रश्न में पूछा गया है कि x और y का मान अलग अलग क्या होगा, तो हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे तो x का मान 25 रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे अगर जो, तो 25 और 5 जोड़कर कितना हो रहा है 30, यानी कि x का मान 25 और y का मान 5, यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन अगर जो बेसिक से बनाइएगा तो x प्लस y दिया है तो x माइनस y भी आप निकाल सकते हैं, तो x माइनस y का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x प्लस y का होल स्क्वायर और माइनस है तो माइनस 4xy। अब देखिए यहाँ पर x प्लस y 30 है तो 30 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4xy मतलब xy 125 है तो 125, इसे हल कर दीजिएगा तो 30 का स्क्वायर 900, 125 गुना 4 125 गुना 2 तो 250, दोनों फिर 500 होगा तो 900 में से आप 500 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 400 और 400 का वर्गमूल कितना होगा 20, यानी कि यहाँ से क्लियर देखना चाहिए x प्लस y 30 दिया है और x माइनस y कितना है 20 है, तो हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 50, तो x बराबर हो जाएगा 25 और x और y जोड़कर 30 है जिसमें से x है कितना 25, तो y कितना होना चाहिए 5, तो 25 और 5 इस प्रकार से भी बेसिक से इस फॉर्मूला का यूज करके x माइनस y बराबर रूट अंडर x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy इसका यूज करके आप भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पहले किसी पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 42 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले पति और पत्नी का योगफल कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पहले हस्बैंड और वाइफ का योगफल कितना हो जाएगा, तो औसत कितना दिया है, औसत दिया है 42, तो दो व्यक्ति का औसत कितना है 42, तो दोनों व्यक्ति का योगफल कितना होगा, योगफल बराबर औसत गुना संख्या होता है, तो संख्या मतलब यहाँ दो व्यक्ति है पति और पत्नी तो औसत में दो से गुना करेंगे तो 42 गुना 2, तो 42 गुना 2 कितना हो जाएगा 84, दैट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि 10 वर्ष पहले आपके प्रश्न में दिया था कि उसके पति और जो भी पत्नी है दोनों के औसत आयु 42 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले योगफल कितना हो गया दोनों का 42 गुनी 84। अब हमें वर्तमान में जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि प्रश्न दिया है वर्तमान में पति पत्नी और उसकी एक बेटी की औसत आयु 39 वर्ष है, मतलब वर्तमान समय में हस्बैंड वाइफ और उसके बेटे की औसत आयु कितना है 39 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 39 गुना 3, तीन व्यक्ति है तो 39 के लिए कितना हो जाएगा 27, 3 9 2 11 117, तो ये वर्तमान समय में है तो इसे भी वर्तमान समय में लाएंगे, तो 10 वर्ष पहले है 84, तो 10 वर्ष पहले 84 है तो वर्तमान में जाएंगे, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे 10 दोनों में जोड़ना होगा, मतलब इसमें भी 10 जोड़ेंगे और इसमें भी 10 जोड़ेंगे, यानी कि 10 10 20 जोड़ना होगा तो कितना हो जाएगा ये 104, यानी कि वर्तमान में पति और पत्नी का योगफल 104 है और यहाँ पर पति पत्नी और पुत्र का योगफल 117 है, तो कौन एक्स्ट्रा आ रहा है, या इस प्रकार से घटा भी सकते हैं कि 117 मतलब वर्तमान समय में पति पत्नी और पुत्र और वर्तमान समय में पति और पत्नी का योगफल कितना है 104, तो यहाँ पर से घटा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, हस्बैंड वाइफ कैंसिल हो जाएंगे मतलब सन का कितना हो जाएगा 117 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 11, मतलब उसके बेटे की आयु कितना है 11 वर्ष। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन, ये कितना हो जाएगा 13 वर्ष हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 117 में से 104 घटाएगा तो कितना होगा 13, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ये क्वेश्चन है 109 से 121 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 109 से लेकर कितना है 109 से लेकर 121 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 109 को भी लेना है 121 को भी लेना है, टोटल प्राइम नंबर आपसे पूछ रहा है कितना है जो, तो 109 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये
किसी न किसी के टेबल में आता है, और 121 भी प्राइम नंबर नहीं है, अगर इधर 121 होता है तो 109 के बाद कौन सा संख्या होगा, 109 के बाद 111 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 113 हो सकता है, 13 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ एक और अपने से कटेगा, चेक कर सकते हैं, 113 के बाद 14, 15, 16, 17, तो यहां पर से आपको 17, 18, 19, तो ये 119 तो हो जाता है 17, 19 से, तो 109 भी होगा, मतलब अब तो आगे कोई नहीं है, तो 109 को चेक कर सकते हैं, तो 109 भी होगा, मतलब 113 और 109 यही दो ऐसा संख्या है, 109 और 121 के बीच में दो प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो भी था क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखे हैं 21, तो यहाँ पर टोटल आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, दो जो भी होगा ऑप्शन में वो आंसर हो जाएगा। तो ये 109 है जो क्या है, प्राइम नंबर है, आप टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर का रूप होता है 6n+-1, आप टेस्ट करके देख सकते हैं, इसके फॉर्म में ही आना चाहिए, तो ये अगर जो है तो प्राइम नंबर है, नहीं है तो भी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इजी क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताइए, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 1 पर 5 जीरो होगा, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो 6 9 होगा, मतलब 3 4 5 6 9, अब सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर यहां पर से कितना हो जाएगा, 10 और 5 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन भी इजी है, ये प्रश्न है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की तीन गुनी है, लंबाई है जो क्या है चौड़ाई की तीन गुनी है, और उसका परिमाप 240 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो यहां पर से रेशियो में परिमाप कितना हो जाएगा, रेशियो में परिमाप हो जाएगा 3, मतलब इस प्रकार से 2 × n + b करेंगे तो 3 और 1 4 × 8 परिमाप 8 हो जाएगा, तो 8 यूनिट का वैल्यू 240 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 × 240 = 30, तो लंबाई कितना हो जाएगा 30 × 90, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 30, तो एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 90 × 30 यानी कि 2700 जो भी होगा स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद देखिए 24 ये बोल रहा है कि 15,271 को किस संख्या से भाग दे कि भागफल 95 और शेषफल कितना हो जाए 21 हो जाए। 15,971 को किस संख्या से भाग दे, मान ले कि x से भाग देते हैं तो इसका भागफल आपके प्रश्न में दिया है 55 हो जाता है और शेषफल कितना हो जाता है 21 हो जाता है, तो वो x का मान बताना है, तो आप जानते हैं तो भाज बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या भाज बराबर होता है 15,971 भाज बराबर भाजक गुना भागफल मतलब x गुना 55 प्लस शेष मतलब 21, तो पहले 21 इसमें घटा देंगे, तो 21 इसमें घटा देंगे मतलब 15,971 में से 21 घटाएंगे और 55 गुना x लिखेंगे, तो 21 घटाने में तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 50 हो जाएगा ना, और ये 159 हो जाएगा, इतना बराबर 55 गुना x, आप कैंसिल कर दीजिए, तो 5 से कैंसिल कर देते हैं या इसे हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब 15 90 यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाता है, तो गुना 10 लिख देते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, अब 5 5 से कैंसिल कर दीजिए या 11 से कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट 11 से भी कैंसिल कर सकते हैं, हम 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो 5 11 और 5 2 फिर 11 से कैंसिल होना है, तो 11 × 11 4 और 9 मतलब 49, तो 11 33 11 44 चार बार लगाएंगे तो 49 में से 44 घटाइएगा तो 5 शेष आएगा, इस प्रकार से आप घटा कर देख सकते हैं, तो 5 आएगा और 5 और 5 पर 11 5 55, 145 दूरी कितना होता है 290, तो x का मान कितना हो जाएगा 290, जैसे भी हो कैंसिल आप कर सकते हैं, तो x का मान कितना हो गया 290, यही आपका हो जाएगा उभाजक, जिसे बोल सकते हैं संख्या में, भाजक बोलिए या संख्या बोलिए। क्वेश्चन नंबर आपका था ये जो भाजक हो जाएगा मतलब इतना 290, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, यहाँ देखना चाहिए 25 नंबर क्वेश्चन इजी है, ये आपको सिर्फ मतलब इसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा है, क्वेश्चन लिखा गया है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या इस प्रकार से है 8,47,000 है और 20% की दर से जनसंख्या बढ़ रही तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, मतलब 8,47,000 इस प्रकार से है और जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है 20% से, तो 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो 120/100
अब इसे हल कर देंगे तो 20 × 26 = 25 मतलब इस प्रकार से 6/5 होगा। और भी आप कैंसिल कर सकते हैं तो 5 × 5 = 25, 25 × 100 मतलब गुना कितना हो जाएगा 100, तो 40। अब 847 गुना 40 गुना कितना हो जाएगा 6×36। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा आप यूनिट डिजिट देख सकते हैं, वो ऑप्शन करके आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमने आपको पहले ही करा दिया है। 26 नंबर जो भी क्वेश्चन था ये हमने आपको करा दिया है, मात्र एक क्वेश्चन बचा है, अनुपात वाला भी पूरा हो गया। अब कुछ क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन ऐसा है मतलब जो मेरे मतलब ये 8 फरवरी है और पिछला जो एग्जाम हुआ था 5 फरवरी को, मतलब शिफ्ट 1 हुआ था, शिफ्ट 2 नहीं हुआ था, तो उसमें कुछ दो तीन क्वेश्चन रह गया था, तो वो दो तीन क्वेश्चन जो रह गया है हम यहाँ पूरा कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा गुना साइन थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा, पहला क्वेश्चन तो ये था। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुना साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है मतलब 5 फरवरी का, यहाँ पर हम लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, ये क्वेश्चन आपको है मतलब इस प्रकार से, कोई ये सर्किल है और ये कोई दो जीवा मान लेते हैं, पहला जीवा ए बी है जो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, जीवा ए बी है जो केंद्र पर कोण बना रहा है आपके प्रश्न में 90 डिग्री, और दूसरा मतलब जीवा है सी डी, इसे नाम दे दिया हमने सी डी, सीधी जीवा है जो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, इस प्रकार से प्रश्न दिया है कि 60 डिग्री, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि रेडियस ऑफ कोर्ट ए बी इज टू सी डी, मतलब जीवा ए बी और सी डी का अनुपात बताइए, मतलब ए बी अनुपात सी डी आपके प्रश्न में पूछा गया है कितना होगा। जो तो ऐसे प्रश्न का बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप कोई भी डिजिट मान सकते हैं, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या का यूज करके बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर आर भी मान सकते हैं, एक एक भी मान सकते हैं, दो दो भी मान सकते हैं, कुछ भी। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो हम यहाँ एक मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या होगी, मतलब ये एक तो ये एक। अब 60 डिग्री के कारण आप जानते हैं ये दो बराबर भुजा हो गई, तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब आपको क्लियर होगा कि तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा भी बराबर होंगे। अब यहां से देखना चाहिए कि ये रूट 2 है तो ये कितना है, 1 है, यानी कि ये भी रूट 2 तो सी डी कितना, 1। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था, नहीं बस दो ही क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन हमने पूरा करा दिया, और जो भी क्वेश्चन था पहले से ये क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन बचा होगा तो नेक्स्ट 8 फरवरी 2021 को शिफ्ट 2 अगर जो हुआ है तो उसमें पूरा करा देंगे। यह वीडियो अगर पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।